कथाकार देवकी नंदन ठाकुर महाराज ने हिंदुओं से 4 से 5 बच्चे करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनने तक प्रत्येक सनातनी धर्म को 4, 5, 6 बच्चों को जन्म देना चाहिए। सिरसपेट स्थित संत गुलाब बाबा आश्रम में आयोजित भागवत कार्यक्रम के लिए नागपुर पहुंचे कथाकार देवकी नंदन ठाकुर ने पत्र परिषद में कहा कि आज भारत में हो रही जनसंख्या विस्फोट का हम विचार भी नहीं कर सकते हैं। आपको कहने प्रश्न करने से पहले थोड़ा तथ्य आप ये समझिए, कितने स्टेट्स में हम लोग माइनॉरिटी में, कितने स्टेट्स में हम माइनॉरिटी में, हम कम से कम 8 से 9 स्टेट में ऐसी हैं जहां भारत में रहकर हम माइनॉरिटी में हैं और हमें कोई लाभ भी नहीं मिलता। हमें तो कोई कहता ही नहीं है अल्पसंख्यक है, हमें तो अल्पसंख्यक भी नहीं माना जाता वहाँ। कहीं 2 पॉइंट है, कहीं 5 पॉइंट है, कहीं 6 पॉइंट है, तो हम लोगों को यही नहीं समझा जाता कि हम अल्पसंख्यक हो भी गए 8-9 स्टेट्स में, वहां हमें कोई प्रॉफिट भी नहीं मिलते। और जब क्या होगा, जब धीरे धीरे करके हमारे स्टेट्स में हमारे साथ तो होता है, कभी धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है, कभी लव जिहाद करा दिया जाता है, कभी कुछ करा दिया जाता है, और सरकार घर घर में थोड़ी, हम अपने अधिकार के लिए बात सरकार से ही कहेंगे ना। सरकार चाहे कोई हिंदूवादी सरकार हो चाहे अन्यवादी सरकार हो, अगर हम अपने अधिकार की बात सरकार से नहीं कहेंगे तो कौन कहे, हम किससे कहने जाएंगे, सरकार से कहेंगे, अभी भी कहेंगे, अवश्य कहेंगे। देखिए मेरा मानना सनातन बोर्ड का मतलब क्या है, हमारा देश सनातन परंपरा को मानने वाला आपसे तो है नहीं, बहुत पहले से हम सेकुलर हुए 75 साल पहले, जिस समय हम देश आजाद हुआ तो हमने मान लिया कि हम सेकुलर हो गए, ठीक है, हमने वो एक्सेप्ट किया। लेकिन सनातन बोर्ड सेकुलरता को खत्म तो नहीं कर रहा है ना, कितने कॉलेज हैं, कितने स्कूल्स हैं, उनको तो खत्म नहीं कर रहा ना। सनातन बोर्ड अगर हम बनाएंगे और जो मंदिरों में पैसा आ रहा है, हजारों हजारों करोड़ सरकारें ले रही हैं उस पैसे को, उस पैसे का सदुपयोग महात्माओं पे थोड़ी होगा, मंदिरों पे थोड़ी होगा, उसका सदुपयोग करना ही है बच्चों को गुरुकुलम पद्धति से शिक्षा देना, जहां संस्कृत इंग्लिश हिंदी तीनों भाषाओं में बच्चों को संपन्न किया जाएगा, बच्चों को आगे बढ़ाया जाएगा। और वो अगर हम किसी नेता को बैठा देंगे या हम किसी IAS को बैठा देंगे या किसी सरकारी आदमी को बैठा देंगे तो वो तो उसको भी अपने तरीके से चलाएगा। सनातन बोर्ड की आज से नाना करते कम से कम 4-5 साल पहले मैंने बात कही थी, सनातन बोर्ड सबसे पहले कहा कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए, बाप बोर्ड जिस पे हाथ रख देगा वो क्या, मेरी जगह, अब जज भी मेरा, वकील भी मेरा और अधिकार भी मेरा, तो ऐसे कैसे न्याय मिलेगा। आज तीसरे या चौथे नंबर पे ऐसे बाप बोर्ड है जिसके पास प्रॉपर्टी है, और न जाने कहा, चलो हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम सनातन बोर्ड चाहते हैं। सनातन बोर्ड इसलिए चाहते हैं जिससे हमारी सनातन परंपरा हमारे सनातनियों परिवारों तक जाए, और मोक्ष का प्रमुख धर्माचार्य उस बोर्ड में हो, उन्हीं का राइट हो, और सरकार देख रेख करे, और सरकार देख रेख के लिए सनातन बोर्ड की ना करे, वह बोर्ड की भी करे, अगर वह बोर्ड गलत करे तो वह बोर्ड को भी देख रेख करे, सनातन बोर्ड गलत करे तो सनातन का देख रेख सरकार करे, अधिकारी कोई सरकारी नहीं होना चाहिए। देखिए मैंने क्या कहा, मैंने अभी कुछ दिन पहले न्यूज चैनलों पर भी वो चल गया, हालांकि मेरा उद्देश्य न्यूज चैनल पर चलना नहीं था उसका, मैं तो कथा में बोल दिया कि हर सनातनी 5-5 बच्चे गोद में खिलाए। मैंने क्यों बोला, आज लोग हमसे कहते हैं कि तुम गलत बयानबाजी करते हो, ईमानदारी से बताओ कि अगर आज और 10 साल तक ये सनातन राष्ट्र घोषित नहीं हुआ, हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ, तो ईमानदारी से बताओ 25 साल बाद क्या सेकुलर कंट्री रह सकेगा, आप सब नहीं जानते। इस सच को जानकर भी अगर आंखों पे कोई पट्टी बांध रहा है और जानबूझ के चुप बैठा है तो वो आने वाली पीढ़ी के साथ अन्याय कर रहा है, और मैं उस अन्याय को, कम से कम मेरा आत्मा मरा नहीं है, मेरा जमीर मरा नहीं है, और अगर मेरा जमीर मरा नहीं है तो मेरे हाथ में है आवाज उठाना, मैं आवाज उठा सकता हूं, मैं आवाज उठाऊंगा, सरकार माने न माने वो सरकार की मर्जी, आप लोगों से नेगेटिव करके दिखाएं पॉजिटिव करके दिखाएं वो आपकी मर्जी, लेकिन मेरा जमीर मर गया है तो मैं मौन हो जाऊंगा। अगर मेरा जमीर थोड़ा भी जिंदा है तो मुझे आने वाली पीढ़ी के लिए सोचना पड़ेगा, मेरी बच्चियों के 35 टुकड़े होते रहे और मैं चुप बैठा रहा हूं, मुझे सोचना पड़ेगा, मेरी बहन बेटियों को कोई सरेआम गोली मार दे मुझे सोचना पड़ेगा, मेरी बहन बेटियों को कोई घर से उठा के ले जाए मुझे सोचना पड़ेगा, मेरी बहन बेटियों के 13 साल की बच्चियों का धर्म परिवर्तन करा दिया जाए, जहां सरकार कहती है कि 18 साल की उम्र में बच्ची शादी करेगी, वहां 13 साल की बच्ची का धर्म परिवर्तन करा दिया जाए मुझे सोचना पड़ेगा, और अकेला मुझे नहीं सोचना पड़ेगा, शासन को सोचना होगा, प्रशासन को सोचना होगा, पत्रकारों को सोचना होगा, कथाकारों को सोचना होगा, और निकम्मे बॉलीवुड वालों को सोचना होगा।
एक ओर तो समाज में चार पत्नी 40 बच्चों की परिस्थिति है, लेकिन उस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने प्रत्येक हिंदू से समय पर शादी करने का भी आह्वान किया है। देवकी नंदन ठाकुर ने सरकार से सनातन बोर्ड की स्थापना करने की मांग की है। इस बोर्ड में सभी धर्मचार्य को शामिल करने का भी आग्रह किया है। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।